हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 3.4 हमें लेना है। इससे पहले कुछ सम हमने सॉल्व किए हैं, उसके आगे के सम ये वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं सम नंबर 5 से आगे। तो स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसे इक्वी एंगुलर है, ऐसे प्रूव करके बता। ठीक है, तो इसे हमें गिवन प्रूफ और डायग्राम पहले रेडी करना पड़ेगा। तो चलो पहले गिवन लिखते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ किया। इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी तीनों साइड सेम होते हैं, बराबर। इक्विलैटरल का मतलब यह है। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों साइड्स इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, इक्वी एंगुलर मतलब ऑल एंगल्स इक्वल है, ऐसे प्रूव करना है। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अभी प्रूव करना है। ओके, तो हम प्रूफ पहले लिखते हैं। ओके, सो इन ट्रायंगल ए बी सी कोई भी दो साइड्स आप पहले बता सकते हो। ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ये गिवन में है, रीजन आएगा गिवन। ठीक है, अभी ए बी एंड बी सी मतलब दो साइड्स अगर इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल ऑल्सो। सो एंगल जो दोनों साइड्स के अपोजिट रहेंगे, अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल्स है वो भी इक्वली होंगे। तो ए बी के अपोजिट एंगल आता है सी, बी सी के अपोजिट एंगल आता है ए। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, स्टेटमेंट वन बोलेंगे। ठीक है, और रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड या इक्वल साइड बोल सकते हो। ठीक है, सो ऐसे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स के अपोजिट रहेंगे। ठीक है, तो ए बी बी सी कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल बताई, तो उनके अपोजिट जो एंगल थे वो भी इक्वल ही आ गए। अभी ऐसे और दो साइड्स ले सकते हो आप, ए बी और ए सी ले लो। ए बी और ए सी इक्वल, ये भी गिवन से ही लिया है क्योंकि पहले से ही इक्वल है, यहाँ पे भी लिखा है ए बी एंड ए सी लिया। ओके, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वली बनेंगे। ए बी के अपोजिट एंगल क्या है, सी, और ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, बी। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, स्टेटमेंट टू। क्या रीजन देंगे, वही जो ऊपर लिखा, एंगल अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड। ओके, अभी वन और टू में देखो आप अच्छे से, एंगल ए सी के साथ इक्वल है और एंगल सी बी के साथ इक्वल है। इट मींस ये इक्वालिटी हो गई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ऐसे बोल सकते ना। ए बी और सी सब इक्वली हो गए, ए और सी इक्वल है, सी और बी इक्वल है, तो ए और बी भी इक्वल हो गए, तीनों भी इक्वल हो गए। सो फ्रॉम वन एंड टू ऐसे रीजन हम बता सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू। अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हो गया कि नहीं, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, और ये सम यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, सम नंबर 6 स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। अगर बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का, वो ए बी सी में परपेंडिकुलर है साइड बी सी पे, तो ये प्रूव करना है। ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलस ट्राइंगल रहेगा। ओके, तो गिवन प्रूफ तो हम लिखेंगे, डायग्राम भी रेडी करेंगे। चलो डायग्राम रेडी करते हैं। ओके, समझो ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किए, तो एंगल कौन सा है, ए बी सी, सॉरी बी ए सी एंगल बोला है। ओके, मिस्टेक। तो बी ए सी यानी ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए सी हमने बताया। ठीक है, तो
चलो गिवन लिखते पहले, ये सब प्रूव है, तो इसके पहले का सब गिवन है। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, यहाँ पे बताएंगे कि परपेंडिकुलर है, ये नेम देंगे यहाँ पे रे एंड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ए मिला और परपेंडिकुलर भी हुआ, ए एम परपेंडिकुलर बी सी, मतलब बाइसेक्टर भी है परपेंडिकुलर भी, ये सब बताया। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव करना है ए बी सी ट्राइंगल या आइसोसेलेस रहेगा, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल उसे बोलते हैं जो ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब अगर ये पूरा ट्राइंगल आइसोसेलेस चाहिए तो दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, मतलब समझो ए बी और ए सी अगर आप इक्वल दिखा पाए तो फिर ये आइसोसेलेस बन जाएगा। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट ये होगा ए बी और बी सी किसी भी तरह से इक्वल दिखाया जाए, ठीक है। तो चलो सोचते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये बाइसेक्टर है इसका मतलब वो एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल के दो पार्ट करेगा। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल क्रिएट हो जाएगा और ये साइड आपको कॉमन नज़र आ रही है। तो आप अगर ये दो ट्राइंगल्स की स्टडी करोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड दोनों ट्राइंगल में आती है। अगर आप पहले ए ट्राइंगल देखोगे ए एम बी तो उसमें ए एम आएगा, ये देखोगे ए एम सी तो उसमें ए एम आएगा, तो ए एम कॉमन नज़र आता है दोनों ट्राइंगल में। तो एंगल ये बीच का साइड कॉमन और एंगल, एंगल साइड एंगल टेस्ट से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो रिमेनिंग एलिमेंट सब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनमें ए बी और ए सी भी आएगा, तो ये इक्वल दिखा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो ट्राइंगल आइसोसेलेस बन जाएगा, यस। तो हमें ओनली क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, प्रूव करेंगे। प्रूव, इन ट्राइंगल ABC, ओके, तो बाइसेक्टर बोला है, रे एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, बराबर, तो इसका मतलब ये एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल CAM हो जाएगा, ओके, और ये भी दिया ना परपेंडिकुलर, तो ये गिवन है, ओके, इसको स्टेटमेंट वन बोलेंगे। दूसरा एंगल मिलेगा हमें कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स का नेम लेते हैं, बाकी सब तो एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको। सो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले वाला ए एम बी लेते एंड एंड बोलेंगे, दूसरा ट्रायंगल ए एम सी लिखे, ट्रायंगल ए एम सी लिया। अभी सबसे पहले ये दिखाते हैं, चलो बी ए एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एम फ्रॉम वन, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट ही इक्वल होता है, ठीक है। तो अभी आप साइड्स दिखा सकते हो कॉमन, साइड ए एम कॉन्ग्रुएंट साइड एम, क्यों, कॉमन साइड है, कॉमन साइड, ठीक है। अभी ट्राइंगल का ये एंगल लेंगे जो 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री बोलेंगे हम। सो एंगल ए एम बी कॉमन एंगल ए एम सी ईच 90 डिग्री बिकॉज एम परपेंडिकुलर बी सी है, ओके, तो यहाँ पे पता है था परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री आने वाला है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये टेस्ट आ गया एंगल साइड एंगल का, देयरफॉर अभी ट्राइंगल का नेम लेंगे बट कॉन्ग्रुएंसी का साइन रखेंगे बीच में, पहले तो एंड रखा था अभी साइन आएगा,
और लिखेंगेगा कौन सी टेस्ट, ए एस ए टेस्ट। ओके लिख दिया। अभी ठीक से देखो, अगर ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो तो ट्रायंगल के रिमेनिंग एलिमेंट्स भी आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने आने चाहिए। ठीक है, अभी हम बोल सकते हैं ए एम बी और ए एम सी अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके रिमेनिंग पार्ट में ए बी और ए सी आएगा ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट साइड ए सी। क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एस सी टी। और ये यहाँ पे प्रूव हो गया, क्या दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है तो दोनों साइड्स इक्वल होने की वजह से ये पूरा ट्रायंगल, देखो ये इक्वल बताया तो ये पूरा ट्रायंगल जो ए बी सी आइसोसेलिस बनेगा कि नहीं, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलिस ट्रायंगल। ओके नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। इफ सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी क्यू बताया गया है, सो दैट सेगमेंट पी एस इज ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू। डायग्राम आपके सामने है, तो पी आर एंड पी क्यू इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, और बताया है ये आप प्रूव करके दिखाओ, क्या पी एस ग्रेटर देन रहेगी पी क्यू से। ठीक है, तो ये कैसे कर पाएंगे हम। ओके सबसे पहले जो दिया है उसके बारे में सोच रहे। ओके सो पहले लिखेंगे गिवन सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी क्यू टू प्रूव जो करना है, क्या सेगमेंट पी एस इज ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, अभी क्या प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे पी आर एंड पी क्यू अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, बराबर। ओके सो यहाँ पे बता दें इन ट्रायंगल, ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना पी आर क्यू में, ये कॉन्ग्रुएंट दिखा है सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी क्यू, ये गिवन है। टू साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल पी आर क्यू। देखो ठीक से पी क्यू आर और पी आर क्यू लिया, क्या बताएंगे स्टेटमेंट वन बताएंगे एंगल अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड। ठीक है, स्टेटमेंट वन बता दिया। अभी ठीक से सोचो, अब ये ट्रायंगल आपको देखना है पी आर एस, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। ओके तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी। अभी ठीक से देखो, मैं यहाँ पे एक जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए डायग्राम निकाल दूँ, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये अगर एक्सटीरियर एंगल है ना तो इन दोनों का एडिशन इसके साथ इक्वल होगा, इन दोनों का एडिशन जितना भी होगा वो इतना होगा। जैसे एग्जांपल लेते समझो, ये 40 है, ये 50 है, जो 60 है तो ये हो जाएगा 100, बराबर दोनों का एडिशन। किसी भी एंगल से आप सोचोगे तो इससे ये बड़ा ही एंगल्स, अगर ये एंगल्स देखेंगे तो इससे ये बड़ा, ये छोटा है तो एक्स्ट्रा एंगल बड़ा ही रहेगा किसी भी एक एंगल से कंपैरिजन किया जाए। अब मुझे ये ट्रायंगल्स देखने, तो ट्रायंगल कैसे आ जाएगा, देखो ओनली ये ट्रायंगल देखना, अगर मैंने ये एक्स्ट्रा एंगल बोल दिया तो इन दोनों का एडिशन होना चाहिए, कुछ भी करो एक्स्ट्रा एंगल तो बड़ा ही होगा इससे, बराबर। ठीक है, तो यही हमें बताना है यहाँ पे, चलो देखते हैं कैसे बताएंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू, ये वाला इज एन एक्सटीरियर एंगल,
ऑफ ट्रायंगल ये वाला PRS, अगर वो एक्सट्रा एंगल है तो एक्स्ट्रा एंगल बड़ा होगा ये एंगल से, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एंगल PRQ इज ग्रेटर देन PSR, बराबर, ओके। तो इसे स्टेटमेंट टू बोलेंगे, ओके। अभी आप PRQ का नेम देखो कहाँ पे आए, यहाँ पे आए, PQR एंड PRQ कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब दोनों सेम है, इक्वल। तो PRQ की जगह पे आप PQR लिख सकते हो, तो यहाँ पे PRQ है तो मैं PQR लिख सकता हूँ, PQR इज ग्रेटर देन एंगल PSR फ्रॉम 1 और 2 को एडजस्ट करके किया है तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी PQR देखो ये है, PSR देखो ये है, अगर इनका पूरा नेम लिखा जाए PQR लिखने से अच्छा PQS लिखेंगे, PQS एंगल वही रहेगा, ओनली लेंथ बढ़ गई, PSR एंगल वही है, PSQ लिखेंगे इस बार, लेंथ बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बिटवीननेस है, क्यों बिटवीन, आर बिटवीन एस, ओके। तो अभी देखो एंगल्स PQS बड़ा है और एंगल PSQ छोटा है, तो इससे क्या होगा, अगर आप ट्रायंगल देखोगे ना PQS, तो ये ट्रायंगल में ये बड़ा एंगल है ये छोटा एंगल है, तो इन इक्वालिटीज प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगल की वो हम यहाँ पे बताएंगे, ओके। सो उस बेसिस पे एंगल बड़ा है तो साइड भी बड़ी होगी, उसके अपोजिट PQS के अपोजिट क्या है, साइड PS, तो सेगमेंट PS कॉन्ग्रेंट ग्रेटर दैन सेगमेंट PQ, PQS के अपोजिट PS थी, PSQ के अपोजिट PQ है, क्या लिखेंगे, इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज ऐसे लिखना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो जो हमें प्रूव करना था मिल गया, यस, यहाँ पे हो गया प्रूव। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल ABC देख सकते हो यहाँ पे एंगल, सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BE आर एटीट्यूड्स, AD एंड ये रहा BE, ये एटीट्यूड्स हैं, इसका मतलब है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। AE एंड BD इक्वल बताएं, AE एंड BD इक्वल बताएं, ठीक है। सो प्रूव करना है ये वाला, ठीक है, तो गिवन से स्टार्ट करेंगे, गिवन इन ट्राइंगल ABC पहले एटीट्यूड वाला लाइन बताएं, सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BE आर एटीट्यूड्स, मतलब ही 90 डिग्री बनेगा वहाँ पर, ठीक है। एंड और एक दिया है AE इज इक्वल टू BD, ये भी गिवन है, प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ये वाला सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट BE, ठीक है। अच्छा तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, AD और BE आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, मतलब ये एटीट्यूड जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। सो आप अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक स्टैंडिंग वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ठीक से, ये ऐसा है AD BE, बराबर, और एक ऐसा है, देखो ठीक से देखो, ओके, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ड्रॉ करें, AE BE ऐसे देना हो, AE BE, तो इन दोनों में AE और BD पहले से ही सेम भी है, बराबर, और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस है, बराबर, तो इसका हाइपोटेनस भी है और इसका भी हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस कॉमन हो गया। तो देखो अभी 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, बराबर, और दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनस कॉमन है, ये ट्रायंगल में भी हाइपोटेनस यही है, यही ट्रायंगल में भी हाइपोटेनस यही है, तो इसका मतलब हाइपोटेनस साइड टेस्ट से दोनों एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बराबर, ओके, ठीक है। तो चलो दिखाएंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हाइपोटेनस साइड टेस्ट से, ठीक है। सो प्रूफ करेंगे पहले इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के नेम लेंगे अभी हम, AD BE
एंड ट्राइंगल बी ई ए, ठीक है, क्या पहले लेंगे? नहीं तो एंगल दिखाते हैं, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू या कॉम्बिनेंट एंगल कौन सा बी ई ए, तो ये गिवन है, एटीट्यूड बताया है, नहीं गिवन ही हो बराबर 90 डिग्री का, ठीक है। अभी लेंगे हम ए ई और बी डी ओ, जो दूसरा गिवन है वो सेगमेंट ए ई सेगमेंट बी डी, ये भी गिवन ही है, ओके। और अभी हाइपोटेन्यूस लेंगे, ओके, साइड ए बी पहले ट्रायंगल में भी आएगी और दूसरे में भी साइड ए बी आनी चाहिए, सेगमेंट भी बोल सकते हैं, सेगमेंट वोल्टेज में सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी कॉमन साइड, बट वो एक्चुअली हाइपोटेन्यूस है बराबर, तो हाइपोटेन्यूस साइड फेस बन जाएगा बराबर। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ई ए के साथ, और टेस्ट कौन सा बताएंगे, हाइपोटेन्यूस साइड ट्रेस्ट, ठीक है। तो इसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो ट्रायंगल के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे बाकी वो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, हमें ओनली एक ही चाहिए ए डी एंड बी। तो ए डी बी में ए डी आता है और बी ए में भी बी आता है, यानी एटीट्यूड्स आते हैं ना, चलो कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो यहाँ पे बताएंगे सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बी, ओके, लिखेंगे क्या, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और यहाँ पे ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस सेट 3.4 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये वीडियो में हमने 4 सम्स अभी तक यहाँ पे सीखे हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 के, ओके स्टूडेंट्स। अभी हम सीखेंगे अगला कंसेप्ट, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में क्या एक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो सिमिलरिटी यानी क्या होगा, ओके। तो दो ट्राइंगल्स आपके सामने प्रेजेंट है, एक ए बी सी एक पी क्यू आर, डिफरेंस क्या दिख रहा है, ए बी सी थोड़ा बड़ा लग रहा है, पी क्यू आर थोड़ा छोटा लग रहा है। बट अगर दोनों ट्राइंगल में सपोज समझो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब समझो ए कॉन्ग्रुएंट पी बताया ए और पी का, फिर एंगल बी ये ट्राइंगल के क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है आर के साथ, मतलब तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, और साइड साइड का क्या, साइड प्रोपोर्शन में होगी, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू जो प्रोपोर्शन आएगा वही बाकी साइड्स का आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर। अगर आप ट्रायंगल्स में ये दिखा पाते हो ऑल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट और साइड प्रोपोर्शन में एक साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड्स, एक साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड्स हैं, एक साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड्स हैं, अगर आप ऐसा रेशो बता पाते हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, देन दे आर सिमिलर ट्रायंगल। और उसके लिए आपको ये दोनों दिखाना पड़ेगा, या तो आप एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताओ या फिर साइड प्रोपोर्शन बताओ या फिर मिक्स में बताओ। अगर आप मिनिमम 3 एलिमेंट्स दिखा पाते हो, मतलब एक एंगल का पेयर और साइड्स दिखाए, तीनों साइड्स दिखाए, तीनों एंगल्स दिखाए, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ओके। तो सिमिलर होने के लिए, ट्रायंगल्स का सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने जरूरी है और साइड प्रोपोर्शन में होने जरूरी है, ओके। तब हम बोल सकते हो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर का ये साइन है ओनली, कॉन्ग्रुएंट का साइन अलग होता है, यहाँ पे दिया है इज इक्वल टू और उसके ऊपर ये साइन आएगा तो एक कॉन्ग्रुएंट बनता है, बट ओनली सिमिलर दिखाना है तो ये आएगा, तो सिमिलर ट्रायंगल ऐसे दिखाए जाएंगे, ओके फाइन। तो अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 के, तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं यहाँ पे, ओके। कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, इफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है एलिमेंट के साथ, तो ये उन्होंने डायरेक्टली बताया सिमिलर है, तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताओ दोनों ट्रायंगल्स के और रेशियो बताओ करस्पॉन्डिंग साइड्स का।
तो मैंने इससे पहले ही डिस्कस किया, ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे, कब होंगे सिमिलर, जब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और साइड प्रोपोर्शन में होंगी। तो यहाँ पे नेम क्या है ट्रायंगल्स के, एक्स वाई जेड एंड एल एम एन। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे नोट किए जाए, एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन। आपको डायग्राम चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है निकालना चाहिए क्योंकि ये ऐसे भी आंसर मिल सकता है, एक्स वाई जेड एल एम एन। तो अभी एंगल्स बताओ, चलो पहले एंगल एक्स कॉमन एंगल एल, एंगल वाई कॉमन एंगल एम, एंगल जेड कॉमन एंगल एम। एंगल का तो हो गया, अभी साइड्स का लेते हैं। साइड एक्स वाई आएगी पहली, उसके नीचे पहली साइड एल एम रहेगी, फिर वाई जेड आएगी, उसके नीचे कौन सी साइड आएगी एम एन, और फिर एक्स जेड लेंगे तो एल एन लेना चाहिए। तो ये हो गए जो भी हमें बताने चाहिए थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे बताएं और साइड का प्रोपोर्शन यहाँ पे बताएं, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड सम स्टूडेंट्स, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई का मेजर है 4 सेंटीमीटर, वाई जेड का मेजर कितना है 6 सेंटीमीटर, और एक्स जेड का मेजर है 5 सेंटीमीटर। और ये इम्पोर्टेंट बताया है, एक्स वाई जेड और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और पी क्यू का मेजर 8 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ किसकी लेंथ, साइड्स की लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसा क्वेश्चन है। तो चलो पहले लिख के लेते कि एक्स वाई जेड और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है। डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं, आप साइड का प्रोपोर्शन डायरेक्टली ले सकते हो, एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन क्यू आर, एक्स जेड अपॉन पी आर, ये गिवन है, तो इसीलिए साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई। यहाँ पे लिख सकते हो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ओके नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, साइड्स आर प्रोपोर्शनल रीजन लिखो। अभी आप वैल्यूज लोगे यहाँ पे, एक्स वाई का वैल्यू कितना है 4, पी क्यू का वैल्यू कितना है 8, वाई जेड का वैल्यू कितना है 6, क्यू आर नहीं है, एक्स जेड का वैल्यू कितना है 5, पी आर नहीं है, और इसे स्टेटमेंट 1 बोलते हैं। ओके सुना, फ्रॉम 1 एक कंप्लीट पेयर है यहाँ पे 4/8 की, आप देख सकते हो बराबर, तो 4/8 ले लिया एंड 6/QR ले लिया। ओके अभी क्या करेंगे पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके नहीं तो क्यू आर को इधर लिखे आप 4/8 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 6, और ये पूरा फ्रैक्शन उधर लिखे जाओ, तो पूरा फ्रैक्शन इधर लिखे आएंगे तो 8/4 बनेगा, अपोजिट होगा, रिवर्स, देखो रिवर्स हो गया, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, और 6 और 2 का इंटू होगा 12, तो क्यू आर मिल गया हमें 12 सेंटीमीटर। ओके अगेन फ्रॉम 1 लिखेंगे, पूरा रेशियो है 4/8 का, और ये 5/PR, पी आर पहले इधर लेके आओ, इंटू होगा बराबर, और फिर फ्रैक्शन को उस पार लेके जाओ, रिवर्स होगा ना फ्रैक्शन, यस साइड चेंज किए तो फ्रैक्शन रिवर्स होगा, और से डिवाइड किया तो 2, 5 2 10 सेंटीमीटर, और दोनों साइड्स मिल गई, सो रिमेनिंग साइड्स मिल गई ना, क्यू आर एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं रीड करता हूँ क्योंकि ड्रॉ ही करना है, ड्रॉ स्केच ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रॉ करो। तो चलो सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं, एक बड़ा एक छोटा,
सिमिलर दिखना चाहिए। ओके लेबल नेम नेम दे दो, ए बी सी दिया, पी क्यू आर ये नेम दिया, ठीक है। शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द साइन सेम साइन। समझो यहाँ पे एक जीरो रख दिया, बराबर, यहाँ पे क्रॉस रख दिया, ओके, यहाँ पे एक सिमिलर साइन रख दें, ओके। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एंगल इसके साथ, ये एंगल इसके साथ और ये एंगल इसके साथ कॉमन रहेगा, कॉमन रहेगा। शो द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड बाई नंबर्स इन प्रपोर्शन। तो लेंथ भी बतानी है, बराबर, तो लेंथ भी बताएंगे, कैसे बताएंगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रपोर्शन में बतानी है, मतलब ये फोर है तो ये टू हाफ लेंगे, ये सिक्स है तो ये थ्री, ये एट है तो ये फोर, देखो हाफ होगा, मतलब ये रेशो आ गया, फोर का हाफ टू दिखाया, सिक्स दिखाया तो हाफ दिखाया थ्री, एट दिखाया तो हाफ दिखाया फोर, तो ये साइड का प्रपोर्शन यहाँ पे मिल गया। तो हमें जस्ट ड्रॉ करने हैं डायग्राम्स और ऐसे दिखाने हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। इसके साथ ये प्रैक्टिस सेट 3.5 कंप्लीट हो चुका है और हमारे ऑल प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हो चुके हैं, ये टॉपिक के थर्ड टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आए रहेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।